प्यारे बच्चों, EMRS एकलव्य की जो भर्ती आई हुई है, चाहे उसमें हॉस्टल वार्डन की भर्ती हो या और भर्तियाँ हो, कुछ बच्चे जो हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं। एग्ज़ाम डेट को एक तरफ रख देते हैं, आज हम बात करते हैं जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, वो क्या पंगा है। जनरली जो चर्चा हो रही है वो तीन भाषाओं की हो रही है, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की। वो सॉर्टेड आउट है, उसका सिलेबस दे रखा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सिलेबस लगभग लगभग पूरा होने वाला है। बात है कि रीजनल लैंग्वेज कौन सी लें, कैसे अटेम्प्ट करें, क्या करें, ये पंगा है। देखिए आप इसमें अगर पैटर्न को देखें तो यहाँ पे जो पार्ट 6 है बेटा आपका, उसमें लिया हुआ है लैंग्वेज कंपिटेंसी। हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। कुछ कुछ पैटर्न सिमिलर है इसमें भर्तियों का, कुछ कुछ थोड़ा अलग भी है। इसमें 120 में से 30 मार्क्स जो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, भाषा पे। अब 30 मार्क्स अगर आप इस पूरे कॉलम में देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सेक्शन आपको 30 मार्क्स नहीं देता, पर लैंग्वेज वाला पोर्शन 30 मार्क्स आपको देता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि आपका लैंग्वेज जो है वो लगभग लगभग अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो, अगर कोई इंग्लिश में कमज़ोर ना हो तो। अब इसमें लैंग्वेज में आपको एक तो हिंदी लेनी पड़ेगी, एक आपकी इंग्लिश है, दो तो हो ही गई। उसके अलावा क्या है आपकी, हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक है आपके रीजनल लैंग्वेज, रीजनल जो आपके रीजन की हो वो। इसमें उन्होंने आपको टोटल 18 ऑप्शंस दिए हैं, इन 18 में से कोई भी एक ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रीजन में लैंग्वेज नहीं है तो मैं क्या करूं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखें तो हरियाणा के लिए इसमें कोई अलग से भाषा नहीं दी हुई है, राजस्थान के लिए देखें तो इसमें अलग से कोई भाषा नहीं दी हुई है, पर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको इंग्लिश, ये देखिए 3 पे हिंदी। आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, मान लो किसी ने ले लिया हिंदी। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी हिंदी तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, बेटा वो जनरल भाषा है, ये रीजनल भाषा के तौर पर भी आप हिंदी ले सकते हैं। जहाँ पे रीजनल भाषा और कुछ नहीं होती तो क्या लेंगे फिर, कुछ ना लें तो कुछ तो लेना पड़ेगा, तो वो हिंदी या इंग्लिश में से ले सकते हैं। तो एक तो ये मान के चलो आप जो आपकी थर्ड भाषा है वो क्या क्या ले सकते हैं बेटा, आप हिंदी उसमें ले सकते हैं, आप उसमें इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर अन्य ले सकते हैं, अन्य भाषा। और अन्य भाषा किस में से लेनी पड़ी है बेटा, ये लिस्ट है आपकी, इस लिस्ट में से कोई भी मणिपुरी, मराठी, मिजो, कोई भी आप ले सकते हैं। आपने अपने हिसाब से ये चूज़ कर लेनी है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा रीजनल लैंग्वेज का, वो यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश है उससे थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका दिया हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें GS रीजनिंग, आपका मैथ, ICT, पोक्सो, चिल्ड्रन एक्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपकी इंग्लिश, यहाँ पे आपकी हिंदी, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज। आप देखिए 3 भाषाएं सिलेबस में भी दी हुई हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा देख लूँ, सिर्फ अगर हम भाषा की बात करें तो ये मान लो आपकी लैंग्वेज एक हो गई इंग्लिश, दो हिंदी, 3 रीजनल लैंग्वेज। अब मैं रीजनल लैंग्वेज में क्या दे रखा है देखो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, तो एक चीज़ तो तय होगी कि इसमें सिर्फ व्याकरण है। क्या है बेटा, व्याकरण आएगी आपकी, ठीक है। और उसमें क्या पूछा जाएगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर। हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं लेवल का होगा आपका, यानी मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन आपके जनरल कम्पिटेटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, पर यहाँ मैट्रिक लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा अप रहेगा। मान के चल सकते हो इन्होंने पहले भी कहा रीजनल लैंग्वेज में अप रहेगा। अब किसी बच्चे ने मान लो रीजनल लैंग्वेज में यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर ली, ये भाषाएं आपकी, ये लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में से आप एक भाषा चुन सकते हैं, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसमें अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो क्या आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे आपको सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम्स आपको इसमें मिल जाएंगे, यहाँ पे एंटोनियम्स पढ़ने हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो करवा दिया जाएगा। जैसे ग्रामर लिख दिया इन्होंने तो ग्रामर मतलब उसमें वो भी आ जाएगा। इसके बाद एरर डिटेक्शन है आपका, ये आ गया एरर करेक्शन, स्पेलिंग एरर वगैरह भी इसमें आ जाएगी। यानी कि इसमें आपको पूरा डिटेल में सिलेबस कराया जाएगा, वो इसको कवर कर लेगा। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ये देखिए विलोम शब्द, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स में पर्यायवाची शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ हो गई, तो ये चीज़ें इसको पूरा कवर कर लेंगे। यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश आप पहले से पढ़ ही रहे हैं वही इसको थर्ड लैंग्वेज को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना।
बस वो आपका अच्छे लेवल का हो। और हम बेटा एक कोर्स है हमारा एकलव्य बैच, ठीक है, वो नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे है। नोटबुक एकेडमी आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एकलव्य बैच है ये हमारा इसका। और इसमें अगर आप हिंदी और इंग्लिश का हमारा देखेंगे स्तर, वो काफ़ी अच्छा है। हिंदी हितेश सर पढ़ाते हैं और इंग्लिश जो है वो पढ़ाते हैं गोविंद सर। यहाँ पे आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर होगी ना। इसकी क्लास बेटा आपकी सुबह 8 बजे होती है इंग्लिश की, ठीक है, और शाम को 7 बजे होती है आपकी हिंदी की, ठीक है बेटा। तो उसमें आप जो कवर करेंगे वो आपका +2 लेवल का स्तर आपका व्याकरण का कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो उनकी डेमो क्लासेस मनु राठी यूट्यूब चैनल इसी पे पड़ी हुई है, आप देखें। स्तर जो है बेटा आपका +2 लेवल से ऊपर का ही होगा, कम का नहीं होगा, ताकि आपकी जनरल लैंग्वेज भी कंप्लीट हो जाए और रीजनल लैंग्वेज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स जो हैं, एग्ज़ाम डेट हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, कुछ भी हो, उसके बारे में बेटा हम लाते रहते हैं। आप मनु राठी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और कोई भी क्यूरीज आपको परेशानियां हो सकती हैं जैसे कि रीजनल लैंग्वेज था, आप ऐसी किसी भी स्थिति में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप मन्नू राठी या टेलीग्राम ग्रुप नोटबुक एकेडमी वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके मैसेज हम तक मिलें तो हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो बेटा हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। हमारे तक प्रॉब्लम पहुँचते ही इसका समाधान कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।